जिसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। आपने बहुत अच्छी तरह समझाया विभिन्न शरीरों का कार्य और उनका क्या उपयोग है। आपने ये भी बताया कि ज्ञान और चेतना आत्मा के गुण हैं और ये क्रियाएं सतत रूप से चलती रहती हैं, तो ये किस प्रकार चलती हैं और क्या सिद्ध अवस्था में भी ज्ञान और चेतना की क्रियाएं चलती है? हाँ बंदर साहब, हमने जब आपको जीव की या आत्मा की परिभाषा बताई, हमने आपको एक शब्द बताया था उपयोग। कहा जाता है उपयोग लक्षणो जीव है, अर्थात उसका ये लक्षण है। और ये भी आपको बताया था कि लक्षण का मतलब कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा लक्षण, ऐसा गुण जो उस पदार्थ में निरंतर रहता है, हमेशा शाश्वत परमानेंट कंटिन्यूअसली, उससे अलग नहीं हो सकता, उसको लक्षण कहते हैं। और वो लक्षण दूसरे जो पदार्थ है उसमें नहीं मिलता। अगर उसमें भी हो जाए, इसमें भी हो जाए, तो लक्षण नहीं है। लक्षण का मतलब थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज दिस। हम जैसे मान लीजिए एक चौकीदार, चौकीदार एक मकान के अंदर 10 कर्मचारी है, कोई कुछ काम करता है। अब चौकीदार कैसे पहचान करेंगे हम हुई चौकीदार? तो लगभग यह लक्षण मिलेगा कि उसके हाथ में लकड़ी होगी, जिसको दंडी कहते हैं, दंड रखेगा हाथ में, तो चौकी करेगा, पहरा लगाएगा, तो उसका लक्षण है। हर एक कर्मचारी के हाथ में दंडा नहीं होता, तो हमें पता चल जाता है कि ये चौकीदार है, ये दूसरे स्टाफ है। उसी प्रकार से जीव का लक्षण है चेतना का व्यापार, चेतना की प्रवृत्ति जो ज्ञान के रूप में है, जिसको हम कहते हैं नॉलेज टू नो, एक्सपीरियंस जिसको अनुभव करना आदि आदि। और वो लक्षण केवल जीव में है, पुद्गल में नहीं है। पुद्गल अर्थात भौतिक पदार्थ, भौतिक पार्टिकल, भौतिक एटम, जितने भी स्ट्रक्चर है भौतिक, सारे के सारे जो हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम काम में लेते हैं, उनमें किसी में भी ये ज्ञान का लक्षण, उपयोग जिसको कहा जाता है, कॉन्शियसनेस, अनुभव, संवेदन, सुख दुख की अनुभूति, ये कुछ भी नहीं होते हैं। तो ये डिमार्केशन हो गया इन एनिमेट का या पुद्गल का, जीव का। तो उसी के द्वारा हम जानते हैं कि ये गुण जो है आत्मा में सदैव रहेगा। ऐसा नहीं कि एक सेकंड के लिए भी आत्मा ज्ञान शून्य हो जाए, चेतना शून्य हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बेहोशी अवस्था आती है जब हम देखते हैं कि आत्मा एकदम अनकॉन्शियस हो जाती है, उसमें भी कॉन्शियसनेस, एक्टिविटी सब चलती है। ओनली जो एक्सप्रेशन है या अमुक प्रकार की जो लिविंग प्रोसेस है, वो एक बार के लिए सस्पेंड हो जाती है, बाकी लाइफ की सारी एक्टिविटी चलती रहती है। ब्रेन काम करता रहता है, हार्ट काम करता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, वो सब का सब उसी चेतना के साथ में जुड़े हुए प्रक्रियाएं हैं, जिसको हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान के द्वारा सारा संचालन होता है। मूलतः जीवन जिसको हम बताएगा, आत्मा मूल जीव नहीं है, लेकिन आत्मा कर्म के कारण से जीवन धारण करती है, नए नए जीवन लेती है। अब जीवन चलाने के लिए भी उसको ज्ञान का उपयोग करना पड़ता है। ज्ञान उसके पास है, ज्ञान उसके अंदर है, और उस ज्ञान का उपयोग जो होता है, उसका एक नाम दिया गया है जो लाइफ को प्रोपेल करता है, लाइफ को जो फ्लो करता है, चलाता है उसको, जो बराबर बराबर लाइफ चलती रहती है, लाइफ की हर प्रोसेस जिसके द्वारा बिल्कुल ठीक सर उसका काम चले, उसका नाम है संज्ञा। संज्ञा का एक अर्थ है ज्ञान, संज्ञा, और दूसरे अर्थ में बायोलॉजिकल सेंस में जब हम उसको लेते हैं तो उसका अर्थ है इंस्टिंक्ट। अब आप देखिए जो छोटी छोटी स्पीशीज है, जैसे इंसेक्ट है या दूसरे छोटे मोटे जो वर्म है, ऐसे छोटे मोटे जो जिसको जैन दर्शन कहते हैं एकेंद्रीय, बेंद्रीय, त्रेंद्रीय, एक ऑर्गन वाले, दो सेंस वाले, तीन, उनमें भी ये संज्ञा होती है, इंस्टिंक्ट होती है। और अगर हम आधुनिक बायोलॉजी के साथ उसका कंपैरिजन करें तो ये स्पष्ट होता है कि प्रत्येक संज्ञा जो होती है उसका अपना एक बायोकेमिकल सिक्रीशन या प्रोसेस होता है। पहली संज्ञा जिसको कहते हैं आहार संज्ञा, आहार संज्ञा मतलब न्यूट्रिशन और फूड, उसके द्वारा अपनी लाइफ को आगे जो है कंटिन्यूस करना, परपेचुएट करना,
वो संज्ञा किस में है? जीव में, वो ज्ञान के रूप में, नॉलेज के रूप में, और उसके लिए फिर कार्बन शरीर, तेजस शरीर और ये औदारिक शरीर जो बनाया नया, वो मिल करके फूड को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो फूड जिसको कहते हैं, उसके लिए खोज करना, सर्च करना, ब्रेन जिसके पास है, वर्टिब्रेट एनिमल, वो ब्रेन के द्वारा, इनवर्टिब्रेट जिनके पास ब्रेन नहीं है, वो अपने इंस्टिंक्ट के बायोकेमिकल सिक्रीशन के द्वारा फूड का सर्च करके अपनी लाइफ को परपेचुएट करते हैं। फूड जब तक मिलता है लाइफ चलती है, किसी कारण से अगर न्यूट्रिशन फूड ना मिले, हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद में लाइफ समाप्त हो जाती। तो ऐसे जैसे आहार संज्ञा, ऐसे भय संज्ञा, डरना जिसको फियर कहते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो उसका एक ऑर्गन है जिसमें यह आता है फाइट और फ्लाइट। छोटे से छोटा जीव जंतु, इंसेक्ट, उसके पास में भी ये एक प्रक्रिया है, उसको पता चलता है भय का। उससे अगर माइटियर, उससे अगर ज्यादा शक्तिशाली जीव उस पर आक्रमण करता है तो वो फ्लाइट, भाग जाता है। वो किससे? भय संज्ञा और एड्रेनल ग्लैंड के सिक्रीशन के कारण से उसमें वो एनर्जी आती है और इट विल रन आउट। और अगर उसको किसी को मारना है, उसमें ताकत ज्यादा है और वो दूसरा उसका प्रे, तो उसके पास में यही है, तो वो कहते हैं फाइट, उसके पास में वो ताकत आती है और वो उस पर हमला करके, अटैक करके उसको खत्म करता है। ये जो जिसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से डार्विन ने जो कंसेप्ट दिया था, वो ये संज्ञाओं का, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और परिग्रह संज्ञा दैट इज मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ। परिग्रह का मतलब ये पैसा नहीं है, परिग्रह का मतलब है मूर्छा, परिग्रह का मतलब है अटैचमेंट लाइफ के साथ में, बॉडी के साथ में, आत्मा का एक इतना इंटेंस अटैचमेंट होता है, उसको परिग्रह संज्ञा कहते हैं। तो आहार आदि ये संज्ञाएं, ये इंस्टिंक्ट, ये बायोकेमिकल प्रोसेस हर लाइफ के साथ में नेसेसरी है, विदाउट दिस लाइफ कैन नॉट प्रोलॉन्ग। इसी प्रकार से ये चार संज्ञाएं बायोलॉजिकल नेसेसिटी को करती है, और जो चार संज्ञाएं हैं जो है क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा और लोभ संज्ञा, ये साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है। एक चींटी भी अगर है और दूसरी चींटी का दल आता है तो उसमें क्रोध संज्ञा जागृत होती है, उसके साथ वो लड़ाई करते, ये क्रोध संज्ञा का परिणाम है। इसी प्रकार से मान माया लोभ का एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता। तो पूरी लाइफ जहां जहां भी है वहां ये संज्ञाएं, उनमें वो आत्मा का ज्ञान का जो गुण है वो मेन है, फिर जो मटेरियल स्ट्रक्चर उसके अंदर चाहिए वो ग्रहण करके वो अपनी लाइफ को चलाते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान और चेतना हमेशा जीव के साथ रहते हैं। अब बात आती है सिद्ध, अब सिद्ध हो गए, अब ज्ञान चेतना की क्या जरूरत है? उनके न जन्म है, न मरण है, खाना है, न पीना है, कुछ नहीं है। फिर भी ज्ञान चेतना जिसको हमने कहा केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान चेतना, वो जीव का स्वभाव है, इनहेरेंट है, इनबिल्ट है, अंदर है, वो बाहर से नहीं आया, आवरण आ गया था, इसलिए ज्ञान का अंश हमें मिलता है। जब आवरण दूर हो गया तो अंदर से ही वो ज्ञान का, अनंत ज्ञान का खजाना, वो केवल ज्ञान का जो पूरा जो उसका जो डेवलपमेंट है वो संपूर्ण उसी में हो जाता है, वो आत्मा से अलग हो नहीं सकता। जैसे मैंने कहा ना, कैरेक्टरिस्टिक है वो, उसका लक्षण है, लक्षण किसी भी द्रव्य से अलग नहीं हो सकता, इसीलिए सिद्ध अवस्था में भी वो ज्ञान रहता है। हम जो ज्ञान करते हैं, हमारे ज्ञान के साथ में फिर एक दूसरी बात होती है, ये संज्ञा जो बताई ने, इनके कारण से उस ज्ञान के साथ में हम एक बात और जोड़ देते हैं जिसको कहा जाता है मोह, डिल्यूजन, और उसके प्रकार में राग और द्वेष, लाइक डिसलाइक, ये सारी चीजें आती है, और उसी के कारण से कर्म का निरंतर बंधन चलता रहता है। सिद्ध अवस्था में न कर्म है, न राग है, न द्वेष है, इसीलिए प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर चेतना, शुद्ध चेतना, शुद्ध उपयोग बचा रहता है और कुछ नहीं है। और वहां जैसे बताया, इतना आनंद, इतना स्वाभाविक अंदर का इनहेरेंट, इनबिल्ट उसका जो एक स्ट्रक्चर है,
तो इसके कारण से उसे कुछ नहीं करना है, नो अदर एक्टिविटी, पर एक एक्टिविटी जो चलती है उसको हम कहते हैं ज्ञान की, दर्शन की या चेतना की एक्टिविटी सिद्ध में भी चलती रहती है उसके स्वभाव के कारण। इसी कारण से निरंतर उन्हें पूरे विश्व का, सत्य का प्रति समय प्रति क्षण ज्ञान उनके पास में रहता है, उस ज्ञान के अंदर स्थित है और उसी के साथ एक अलौकिक आनंद, अनएक्सप्लेनेबल और इस प्रकार का है जिसमें सुख दुख नहीं है, लेकिन एक ऐसी स्थिति है, एक स्टेटस है, वो बना रहता है। तो इस प्रकार से सिद्ध में भी ज्ञान चेतना है, संसार में भी है। संसार में ज्ञान चेतना का उपयोग लाइफ के लिए किया जाता है, राग द्वेष आदि करके लाइफ को प्रोलोंग किया जाता है और साथ साथ नए कर्मों का बंधन होता है, फिर नया जन्म मिलता है, वो परपेचुएट होता रहता है। सिद्ध होने के बाद में कारण नहीं है नए कर्मों का, तो सिद्ध अपनी आत्मा में स्थित होकर के, स्वरूपस्थ होकर के और अपने आप में अनंत अनंत काल, जो अनादि काल से चक्र चलता था उसको तोड़ दिया गया और अनंत काल तक सिद्ध अपने स्वरूप में रह जाती। तो ये ज्ञान और चेतना, आत्मा का स्वभाव, आत्मा का लक्षण, संसार के प्राणी।